हेलो नमस्ते सभी को, मेरा नाम प्रतीक। वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं पिछले कुछ दिनों से सुबह उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं सुबह अभी भी ठीक से इजीली नहीं उठ पाता हूँ, उसके लिए मुझे आज भी अलार्म की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इवन वो भी कभी कभी फेल हो जाता है। आई डोंट नो इफ इट्स ओनली मी, मुझे अपनी नींद तोड़ने के लिए एक ऐसा अलार्म टोन चाहिए होता जो कि पूरा अब्रप्ट हो, मतलब एक फ्लो टूट जाए नींद का, यू नो, जैसे कि पापा का डांट, एक ऐसा साउंड जो सिस्टम हिला दे पूरा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो रिसेंटली मुझे मेरे फ़ोन में एक ऐसा अलार्म टोन मिला जो कि मेरे लिए सबसे परफेक्ट है। ये साउंड सुनते ही मेरा नींद का फ्लो बिल्कुल ही टूट जाता है, मतलब कुछ सेकंड्स में मैं उठ जाता हूँ। अगर आप भी हो सके तो इसको यूज़ करना। ये अलार्म टोन सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, यूज़ करो इसको, देखना नींद कैसे खुलता है एकदम फटफट। लेट्स टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी अ लिटिल बिट। देखो, पिछले दो तीन हफ्तों से मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट रहने का हर एक चीज़ों में, बीट फिटनेस, बीट माय यूट्यूब वीडियोस। मैं एक हफ्ते से अपने यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं डाला, जस्ट बिकॉज मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ। द पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ पा रहा है। देर आर सम थिंग्स गोइंग ऑन, देर आर सम थिंग्स विच आर कमिंग इन बिटवीन, जिसके वजह से कंसिस्टेंसी में ऐसा लैग हो रहा है। बट द थिंग इज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने एंड से बहुत ज़्यादा कि कंसिस्टेंट रहूँ। इस बार आई एम थिंकिंग कि मैं इस बार कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, ट्राई करूँगा टू बी कंसिस्टेंट। वी आर डूइंग ग्रेट एक्चुअली। मैं जो जो चीज़ें सोच रहा हूँ वो सब हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन स्लो हो रहा है। दैट इज़ द पॉइंट कि हाँ, स्लो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, वो चीज़ें हो रही हैं लेकिन स्लो हो रही हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, आज का जो दिन है सैटरडे, तो आज मैंने पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, नथिंग आई हैव डन प्रोडक्टिव टुडे। हाँ, बट मैंने एक रील शूट ज़रूर किया। मैं इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट रहने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ एक छोटा सा कोई सीरीज स्टार्ट करूँ इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे। आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं है कि मुझे ग्रो करना है तो वो आई डू इट, जस्ट टू बी कंसिस्टेंट आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज ऑन अ शॉर्ट फॉर्मेट। हाँ, ऑन अ शॉर्ट फॉर्मेट, लेकिन या एक कोई गोल अगर एक दिन में अचीव कर लूँ मैं, तो शायद धीरे धीरे ऐसा करके माइलस्टोन जो भी है इट विल गेट कम्प्लीटेड, है ना। तो मैं अभी वही सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो टॉकीज या फिर रील शूट करता था मैं, आई विल कंटिन्यूसली डू इट। देखो, तो सीन कुछ ऐसा है कि कंसिस्टेंट रहने का ट्राई मैं अभी से फुल ऑन करूँगा, जितना हो सके मेरे एंड से मैं उतना करूँगा। वीकली व्लॉग या फिर डेली रील्स मैं रोज़ डालने का ट्राई करूँगा। आई विल ट्राई टू स्टिक विथ इट कि मैं इस चीज़ से अब ना भटकूँ। ऑन दैट नोट, आई नो ये वीडियो उतना कुछ खास नहीं है, पर जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है, वट एवर आई एम फीलिंग और वट एवर आई एम गोइंग थ्रू, मैंने सोचा कि वाई शुडंट आई शेयर इट विथ यू गाइज, ताकि यू नो सब कुछ ऐसा विजिबल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे अपने बीच। जो भी मेरे साथ हो रहा है आई शुड बी शेयरिंग विथ यू गाइज, ये सोचा मैंने। ऐसा किसी किताब में तो नहीं लिखा है, पर सच्चाई दिखनी चाहिए लोगों को। जो भी मेरे साथ हो रहा है, वट एवर आई एम फीलिंग, ऐसा आप लोगों को पता रहना चाहिए कि हाँ, वीडियोज़ क्यों नहीं आए, क्या कर रहा है, लाइफ अपडेट क्या है, जो भी है लोगों को पता रहना चाहिए बेसिकली कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैं ऐसे ही इधर आया था वॉक के लिए। वॉक करते करते मैंने सोचा क्यों ना एक कंसिस्टेंसी के ऊपर एक लाइफ अपडेट दे दिया जाए कि मैं किस फेस से हूँ, किस फेस से गुजर रहा हूँ। तो यही सीन है अभी का, कंसिस्टेंसी का पहला स्टेप यहीं से शुरुआत कर दिया जाए। अभी वक्त हो रहा है 7:36, तो वॉक करते करते बहुत लेट हो गया। बारिश भी होने वाली है शायद यहाँ पर, पता नहीं, आई गेस कि बारिश होने वाली है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, घर जाकर देखते हैं क्या सीन है आगे का। ओ नो शो, और एक बात मैं बताना भूल गया, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक नया रील डाला है अबाउट टॉप 3 बाइक्स अंडर 200 cc, तो डेफिनेटली जाकर चेक करना और बताना अपने थॉट्स, तुम्हारा थॉट क्या है उसके ऊपर। अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूँगा या फिर यहाँ पर या फिर डिस्क्रिप्शन में, जहाँ भी होगा आपको मिल जाएगा। सो उसको जाकर ज़रूर चेक करना और बताना मुझे कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट। We'll be right back.
हाँ जी, तो आज के इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो यू नो द ड्रिल। तब तक के लिए लिव योर लाइफ, लव इज साइज। अगर आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब की जागी हुई जनता हो तो आप फयाज मुसल्ली के बारे में ज़रूर जानते होंगे। फयाज मुसल्ली कौन? ये जिसको नहीं पता, यूट्यूब में जाकर सर्च करना फयाज मुसल्ली कौन है, और बाद में आके थैंक्स बोलना।